जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मैं हूं प्रिंस। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 का जो स्कोर कार्ड है उसका एसएससी का देने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को पता है लगातार दोस्तों यहाँ पर जो है अदर वैकेंसियों के दोस्तों नोटिफिकेशन आ रहे हैं, एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, या दोस्तों आपका कैलेंडर हो एग्जाम को लेकर, वो सभी जारी हो रहे हैं। लेकिन जब बारी आ रही है दोस्तों यहाँ पर आप सभी के स्कोर कार्ड को, एसएससी जीडी को जारी करने की, तो वो यहाँ पर जारी नहीं कर रहा है। अब बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि भैया कितने बजे तक जारी होगा, यहाँ पर जो है कैसे हम चेक कर पाएंगे और कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं, किसके बढ़ेंगे 15 नंबर, ये भी आपका बहुत बड़ा सवाल है, और किस हिसाब से नंबर बढ़ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यह बता दूं कि भाई साहब एसएससी का जो मन है वो बड़ी वैकेंसियों में ज़्यादा है। जैसे एसएससी सीजीएल हो, सीजीएल का थोड़ा बहुत कुछ लेट हो जाता है ना, तो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है कि भैया आपका जो वो डेट को हम जारी कर रहे थे, जो भी नोटिफिकेशन, वो उस दिन को नहीं आएगा, उस दिन को हम जारी करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन वो जारी कर देता है। लेकिन जब एसएससी जीडी की बात आती है ना, तो ना कुछ नोटिफिकेशन आता है, ना दोस्तों कुछ वहाँ पर जो है उसके बारे में बात की जाती है, कुछ भी नहीं होता, बस छात्रों को दोस्तों पागल बना दिया जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, क्या दोस्तों आज आपका स्कोर कार्ड आएगा, क्या आज कितने बजे तक दोस्तों आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ नहीं पता है भाई स्कोर कार्ड के बारे में कि आज आ जाए या दोस्तों रात के 12 बजे आ जाए या दोस्तों अभी 2 मिनट बाद आ जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एसएससी दोस्तों जो अपनी बात है उस पर खरा बिल्कुल नहीं उतरता है। और यहाँ पर बच्चे जो है हम पर बोलते हैं, भैया आप झूठ बोल रहे हो, वीडियो बनाना बंद कर दो, ये कर दो, यानी पता नहीं दोस्तों जो भी बोलते हैं। ठीक है भाई, मैं तो सभी का थैंक यू बोलूँगा, जो भी अगर बुरी कमेंट करना चाहता है मेरे बारे में तो कर सकता है, कोई बात नहीं है, सभी को मैं पहले ही रिप्लाई कर देता हूँ, थैंक यू दोस्तों अच्छी कमेंट करने के लिए, बुरी कमेंट करने के लिए, जो भी आप कर रहे हैं अच्छी बात है। क्योंकि भाई देखो, मैं जो है ना आपसे कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी मेरा भी दोस्तों माइंड ख़राब है, क्योंकि भाई मैं भी स्कोर कार्ड चेक करना चाहता था आप लोगों की तरह, लेकिन मेरा भी दोस्तों स्कोर कार्ड तभी आएगा जब दोस्तों यहाँ पर एसएससी को इस बात की खबर लगेगी कि भैया हाँ यार स्कोर कार्ड भी जारी करना था स्टूडेंट के लिए, इतने सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा स्टूडेंट दोस्तों आपके एसएससी जीडी में, और उनके लिए ही कोई नोटिस नहीं जारी हो रहा है, तो दिमाग तो खराब ऑलरेडी हो गई। अब आपको जो भी बोल रहे हैं भाई, देखो पहले से ही मूड ऑफ रहता है, आपको जो बोलना है बोल सकते हो, जो भी दोस्तों यहाँ पर गाली वगैरह देना चाहता है कोई बात नहीं है, सब सह लेंगे, ठीक है? लेकिन आप सभी को ये पता होना चाहिए कि भाई देखो, हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं ना, वो भी हम भी टाइम निकाल के देते हैं, हम भी आप लोगों की तरह के स्टूडेंट हैं, हमको भी आपकी तरह काम करना पड़ता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, अपना स्टडी भी करनी होती है, यूट्यूब पे भी काम करना पड़ता है, भैंसों के लिए सानी करनी पड़ती है, ये दोस्तों जो है खेतों में भी काम करना पड़ता है, जो भी आपका गेहूं वगैरह काम है वो भी हमारा भी है, और ये सारी चीज़ें हमारी भी होती हैं, हमारे साथ भी हैं, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ को लेकर, जो कमेंट में उनको बोलना है वो बोल के जाएंगे, ठीक है? कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि जिस दिन दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ना, उस दिन आप सभी को पता चलेगा कि हाँ मैं कैसे इस तरह से वीडियो बना रहा था, किस तरीके से टाइम मुझे मिलता था, किस तरह की मेरी कंडीशन है, लेकिन उनको किसी को कोई लेना देना नहीं इस बात को लेकर, बस उनको तो कमेंट करना है, कोई इशू नहीं है, कर सकते हो जो भी आपके मन में आ रहा है। लेकिन फिलहाल दोस्तों जैसे ही रिजल्ट, ये स्कोर कार्ड आपका आता है, सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा, जैसे ही आता है दोस्तों मैं वीडियो बना के आप सभी को बता दूंगा। तो थैंक यू ऑल फॉर, जय हिंद, वंदे मातरम।